आंदोलन का आंदोलन तो शुरुआत है, आंदोलन की आंदोलन और आगे बढ़ेगा। अगर जो सरकार ने घुटने नहीं टेके तो आंदोलन और आगे बढ़ावा। ऊपर किसान सही हो लिए, दूसरी चीज को मीडिया दिखा को नहीं रही इस चीज में। पहली चीज वो अपने किसान के करते गए हैं, वो साथ चीज नहीं भी हुई है। अगर जो मोदी घर तो जानी पहली चीज तो मोदी घर तो जाऊंगी कितना राटा आदमी है, आगे ना पूरा आगे ना पहुंची। पहली चीज तो जिस आदमी घर ने वित्त है, जिस आदमी घर ने शहादत हो है, उस आदमी ने बेरा लगा है कि एक चीज हो है शहादत, एक चीज हो है आदमी का करता जाना। उस घर में दुख हो है, मोदी ने के बेरा मोदी का कहना है, बुआ की छोरी गुजर गई है, शहादत हो रही है, जो मारे घर हो रही है, हमने बेरा की बात मानी। गाड़ी वाले भी आ रहे हैं, कोट पेंट वाले भी आ रहे हैं। काल केटी भाई का एक पोस्ट भी आई है, उसमें बटे हुए हेलीकॉप्टर में भी घूमा है। किसान इसी बात ना हो सकती तो भाई साहब जाना भी घूमे आप कुर्ते पजामे आ रहे हैं। हम मोदी के जो फटेपरी दान गरीबी है हमारी, जो किसान हम माटी गला माटी हो गया ना हुआ वहाँ, जो अन्न वो खान लाग रहा है वो ना दिखा उसमें, ये कुर्ते पजामे बोलती है हमारे कारण तो बन रहा है। खाती पीता हो है, अनाज बोवा कपास बोवा उनका कपड़ा बनाया था, ये कपड़े बनाए हैं जिसे पता में कुछ पड़े लेडी देख कोई हर कोई तेरे बार तेरी बहन के बार खुद के बारे में बोला तेने कितना गलत लगा खुद प्रोड्यूसर दो रहा वो कर दी हंडा यार देखो इनका है, इनका एक मेन मुद्दा ये है, बीजेपी सरकार जो मोदी है उसका मुद्दा ये है, हिंदू मुस्लिम में बांट दो, सिख हिंदू में बांट दो, मुस्लिम ईसाई में बांट दो, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई इनमें इकट्ठे ना रह। दूसरी चीज उन्हें मैं बता देना चाहूँ, देख लो आड़े हिंदू बैठा है, मुस्लिम भी बैठा है, सिख भी बैठा है, ईसाई भी, हम सारे भाई भाई हाँ। पहली चीज बांटने की कोशिश करेंगे तो हम बटा को नहीं, पहली चीज हिंदू मुस्लिम में बांटने की सोचते हरियाणा पंजाब में बांटे एस वाई एल का मुद्दा पहला गिर गए थे। वो एक पहले रैली का नाम रखा गया किसान रैली, उसके बाद रातों रात नाम चेंज करके जल अधिकार वो एक घटिया क्वालिटी इनकी चाल है। मैं हाँ एस वाई एल मैं मान लूंगा कि एस वाई एल का पानी खतरी हड़ताल करने लग रही है, हड़ताल भी करने लग रही है, एक मिनट फांसी खा जाए हम उसकी शहादत न मानेंगे। हाँ उसने शहादत दी एस वाई एल का पानी खतर, सरकार है ये सरकार में फिलहाल मुख्यमंत्री है उसको तो अनशन करने की जरूरत नहीं, उसको ऑर्डर देने की जरूरत है। फिर भी इनको मतलब राम सिंह जी के उन्होंने शहादत दे दी, वो एक बहुत बड़ी शहादत थी हमारे समाज नहीं समाज में बांटो या डालो उसको मानते हैं। दूसरी चीज के ये अगर ये काम है कि एफआईएल का मुद्दा वो है तो खुद सरकार में रहिए, ये भी तो शहादत दे खट्टर पर सिखा जाए अनुराग देखो जी। सबसे पहले तो यहाँ पे जितने भी आंदोलन में लोग बैठे हैं मैं हिंदी में बोलूंगा ताकि आपके सारे श्रोताओं को ये बात समझ में आए, हमारी भाषा लैंग्वेज बैरियर नहीं है। यहाँ जितने भी लोग बैठे हैं जैसे अभी जिन्होंने बाबा जी का नाम लिया, जिन्होंने इस आंदोलन के लिए शहादत दी है, ये शहादत इसलिए यहाँ पे हमारे लिए इतनी ज़्यादा हमारे अंदर जोश
और हमारा आक्रोश जो सरकार के खिलाफ है वो इस हमारे जो आंदोलन में निकल के आ रहा है, ये बाबा रामदेव वाला आंदोलन नहीं है भी यहाँ पे सलवार सूट पहन के किसान भाग जाएंगे। ये वो लोग हैं जो जिन्होंने 48 डिग्री की गर्मी भी देखते हैं और जो रात को पानी लगाते हुए 2 डिग्री का टेम्परेचर खाड़े में खड़े होकर सारी रात अंडाते हैं, ये वो लोग हैं। ये मोदी सरकार ये जो कुछ हरकतें कर रही हैं उससे भागने वाले बिल्कुल नहीं हैं। कल एक बीजेपी के सांसद मंत्री लेडीज हैं उनका बयान आया है, ये जितने भी लोग बैठे हैं दिल्ली बॉर्डर गाजीपुर बॉर्डर पे छोटे किसी की संख्या में बैठे हैं और ये सही किसान और जो पूर्व मंत्री का बयान है वो है पाकिस्तान से। देखो जी, ये जो ऐसे लोग बयान देते हैं ना, पहली बात तो इनको पता ही नहीं है किसानी होती क्या है और किसानी करनी कितनी है। तो बीजेपी आईटी सेल जैसे इनको पर्ची बना के दे देता है, उसको आगे ट्वीट फॉरवर्ड कर देता है। सबसे पहली बात, मैंने इनको बहुत नजदीकी से देखा है तो मुझे पता है ये काम करते हैं। दूसरी बात, मोदी जी के अलावा भारतीय जनता पार्टी के इतने लोगों का हमारे पास फोन आता है, कहते जी हम चेहरा ला के सामने आ नहीं सकते लेकिन हम किसानों के साथ हैं। मोदी जी और अमित शाह को छोड़ के पूरी भारतीय जनता पार्टी के अंदर ये दिल में आक्रोश है कि ये जो ये क्या नाम है अपने अडानी और अंबानी से पता नहीं क्या कुछ कर रहे हैं। जी बिल्कुल, 165 के करीब मैं इसका ना जी बहुत अगर आप बारीकी से समझना चाहें ना, ये जो लोग हैं ना ये अपने संगठन और जो छोटा स्तर की जो आप इसकी सोच होती है ना तो वो छोटा ही सोच पाता है और छोटे फायदे देख पाता है। वो अपने छोटे फायदे के लिए आज के दिन अपनी पार्टी और ये मोदी अमित शाह की जो गुलामी ये कर रहे हैं उसके खिलाफ आगे बोल नहीं पा रहे। लेकिन हम निराशावादी बिल्कुल नहीं है, जो जो भारतीय जनता पार्टी के अंदर भी हमारे किसान साथी बैठे हैं जिनके मन के अंदर ये टीस है कि ये किसान जो बैठा है किसान भाई बैठा है वो गलत बैठा है, वो आज नहीं तो कल हमारे साथ बिल्कुल जुड़ेंगे और अपना जो फूल का निशान है उसको फेंक के और किसान का हरे रंग का कपड़ा और हरे रंग का जो हम तो ये जो हरे रंग का ना कफन काले रंग का होता होगा लेकिन किसान आज के दिन अपने सर के ऊपर हरे रंग का कफन बांध के बैठा है। एक एक किसान आज के दिन अपनी जान की आहुति लगाने के लिए तैयार बैठा है इस आंदोलन के लिए। यहाँ पे आपको कोई सूट बूट वाले की अगर बात करेंगे तो यार किसान है कोई बड़ा किसान है अगर वो यहाँ पे आके बैठा है मोदी और उनका पेट दुखता है क्या? अगर हम यहाँ पे कोई किसान भाई आए हैं अगर उनके पास गाड़ी है वो तेल भराने के पैसे अगर कमा रहे अपने खेत से तो इनका पेट दुखता है क्या? ये तो चाहते हैं ये जो बिल लेके आए हैं इनके जरिए ये चाहते हैं कि किसान वैसा ही दिखने लग जाए। अभी मोदी जी ने इश्तिहार डाला था लकड़ी का हल ऐसे करके फोटो खींच रहे हैं, उनको पूछने वाला है ये हल जो आपने जिसमें आपने फोटो खींची है इसमें तो बीज डालने वाली आपने पूरी भी छोड़ दी, फोटो खिंचाने के लिए चीजें लेके आते हो यार, हल दिखाना है तो आज के दिन दिखाओ ना किसान किस तरीके की खेती करता है। आप उस चीजों के साथ जाके फोटो खिंचाओ ना, वहाँ खिंचा नहीं सकते जी, किसान घुसने नहीं देता खेतों में। परसों जो थे आपको पता लगी क्या अम्बाड़ा में क्या हुआ है? क्या ना सर बाकी प्रशासन का दबाव है उनकी मजबूरी है उनका करना पड़ेगा पर ये गद्दार लोग कितने उठा लेंगे, एक ना उठा लेंगे दो ना उठा लेंगे, आंकड़ा 50 लाख पार जा दिया है कितने ना उठाओगे जेल भर जाएगी जेल। सुंदर है देवी ठीक है
दे दी तो ही तो जो इलेक्शन हो गया उस चीज वो चीज ज्ञान कौन थी जो सपने दिखाए गए थे वो सपने है कौन नहीं वास्तविकता और थी सपने कुछ और दिखाए गए थे बताया कुछ बढ़ा गया था कर दिया कुछ कम काम तक कैसे पहुंचना है अगर वो लड़ाई